नमस्कार, मैं हूँ देवांश शर्मा, ग्राम बरखेड़ी भोपाल मध्य प्रदेश से, और ये हैं जी हमारे पुरखों के खेत। इसी मिट्टी में हम खेले हैं जी, और यहीं हम बड़े हुए हैं। यहाँ हम और हमारे भाई लोग सभी मिलकर शरबती गेहूँ की खेती करते हैं। कहते हैं जी, बरखेड़ी से अच्छा शरबती गेहूँ और कहीं नहीं होता। मिट्टी ही कुछ ऐसी है, नमी कम और क्षार ज़्यादा है। बड़ी मेहनत लगती है जी शरबती गेहूँ उगाने में। कई तकनीकों का इस्तेमाल होता है, पर इनमें से तीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली, 4 से 5 ट्रक देसी खाद चाहिए खेतों में डालने के लिए। दूसरी, 5 से 25 नवंबर के बीच शरबती गेहूं की बोनी हो जानी चाहिए। और जी तीसरी, 21 दिन के बाद शरबती गेहूं की फसल में पानी लग जाना चाहिए। इस दौरान ये फसल ही हमारा परिवार होती है जी। और खेती का तो ऐसा है कि नाम किसान का होता है, करता उसका पूरा परिवार है। इसी के साथ बच्चे खेलते हैं, बड़े होते हैं, और जी इसी के साथ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर कहीं बड़ी मेहनत के बाद सोने सा लहलाता है ये खेत, और फिर नेचर फ्रेश की मदद से हमारी मेहनत पहुंचती है आप तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे खेतों का शरबती गेहूं जैसा अनमोल गेहूं अपनाया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा गेहूं अपनाने से आपका आहार बनेगा और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक। इस पैक का हर दाना आया है गांव बरखेड़ी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित देवांश शर्मा के खेत से। नेचर फ्रेश संपूर्ण, हर दाना एक खेत से।